हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आदित्य एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीजे को गाड़ी में कैसे लोड करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहूंगा कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये सब सामान हमारे डीजे में लगने वाला है। ये हमारा गाड़ी के 407 पिकअप है और ये सब सामान भी देखें आप, स्टील का, आयरन का, सब कुछ सामान लगने वाला है। और यहाँ पर फिटिंग चल रही है हमारे सामान की, जिसमें ये हमारा बेस का फ्रेम है जिसको हमने गाड़ी के साथ नट बोल्ट के साथ टाइट करते हैं। अभी देखिए, यहाँ पर फ्रेम लगा हुआ है आयरन का बॉडी के साथ, और यहाँ पर हम जो टाइट कर रहे हैं नट बोल्ट, ये इसके ऊपर हम बेस को रखेंगे। यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं नट बोल्ट को हम सभी को इसको टाइट कर रहे हैं। इसको टाइट करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने पहले से ही जनरेटर को ऊपर लोड कर दिया है गाड़ी में। और ये जो सब सामान देख रहे हैं आप, स्टील का सब कुछ यहीं पे लगेगा। लगने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और एक फैन हमने इंस्टॉल करके रखा है, जो कि यहाँ पर टॉप लगेगा। चलिए आपको पास में कहना हूँ, और जनरेटर है और यहाँ पर हमने इंस्टॉल किया है हमारा जो ऑपरेटिंग के लिए जो रहेगा एम्पलीफायर वगैरह, मिक्सर, क्रोसर और इलेक्ट्रिसिटी के लिए बोर्ड, जनरेटर से जो आता है प्रोसेसर वगैरह सब कुछ रहेगा। यहाँ पर ये देखिए क्रोसर और यहाँ पर मिक्सर, यहाँ पर धूप है तो मैंने ये ढक के रखा हुआ हूँ। और ये यहाँ से ऑपरेटिंग होगा दोस्तों, और ये जनरेटर यहाँ पर इसकी बांध के रखा है हमने, तब कि गाड़ी मतलब चलने से ये पीछे आगे पीछे ना। अभी जो स्टील का साइड लगेगा दोस्तों, यहाँ पर लाइट लगता है। ये बजट थोड़ा कम है तो हम लोग सिर्फ स्टील का फ्रेम लगा रहे हैं, सोपटिंग के लिए यहाँ पर लाइट नहीं लगवाएंगे इस प्रोग्राम में। और ये बाकी प्रोग्राम में हम इसमें लाइट्स वगैरह लगाते हैं। देखिए, इसको हमने भी नट बोल्ट के साथ ही फिटिंग कर दिया है, इसको भी नट बोल्ट के साथ ही टाइट किया जाता है। चलिए आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ हमने नट बोल्ट के लिए यहाँ पर जगह रखा है, जो कि हम यहाँ पर नट बोल्ट टाइट करते हैं। अभी इस फ्रेम में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ये जो ड्यूल बेस है इसको हम लोड करेंगे। देखिए, ये लोड हो रहा है ड्यूल बेस, जो मैंने आपको बोला था कि फ्रेम लगाया है हमने, तो इस फ्रेम में ड्यूल बेस दोनों रखेंगे और फिर सिंगल बेस दो रखेंगे इसके ऊपर, और फिर उसके ऊपर चार टॉप डालेंगे। चलिए देखते हैं। अभी देखिए, यहाँ पर टॉप डाल जा रहा है, ये सब टॉप हम लोग लोड कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर दोस्तों मैंने कनेक्शन कर दिया है, यहाँ पर कनेक्शन करके रखा है मिक्सर से, क्रसर और फिर एम्स को, और फिर उसके बाद ये सब कनेक्शन होगा टॉप के ऊपर, बेस के ऊपर, सबके ऊपर कनेक्शन होगा। क्योंकि कनेक्शन तो मैंने आपको बहुत ही वीडियो में अलग से बताया है कैसे कनेक्शन करते हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं कनेक्शन के लिए। दोस्तों ये देखिए, अभी सारा फिटिंग लगभग हो गया है, कुछ थोड़ा बाकी सामान बाकी है फिटिंग, जो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये सब जो फिटिंग हुआ है, आप पहले इसको एक बार देख लीजिए। देखिए, यहाँ पे दो बेस लगाया गया है, सिंगल दो बेस और नीचे दो बेस है ड्यूल का, और ऊपर टॉप सारे हैं, और यहाँ पर लाइट वगैरह सारे लगवाए गए हैं। ये सब फिटिंग होने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये वीडियो दोस्तों फिटिंग जब हो रहा है, लाइट का फिटिंग चल रहा है अभी।
अभी देखिए ये फिटिंग हो गया है, यहाँ पर हम लोग इतना ही फिटिंग किए हैं, यहाँ पर सिर्फ ये बैनर वगैरह लगेगा और कुछ थोड़ा सामान बहुत बाकी है जो कि आप देख लीजिए। और बाकी फुल वीडियो के लिए दोस्तों आप ये वीडियो लंबा हो जा रहा है इसलिए पार्ट टू का वेट कीजिए, मैं उसमें लाइव चला के सब कुछ करके दिखाऊंगा। अभी फिर भी थोड़ा लाइव करके नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाता हूँ, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऐसे ही वीडियो आपको मैं डालता रहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।